पूरा देश इस वक्त आप किसी से पूछिए वो निशब्द है, उसे नहीं पता है कि आज किस भाव से देश के अटल प्रधानमंत्री को अलविदा करना है। अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे मौजूद हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि कृष्णा मेनन मार्ग 6A से कूच करना शुरू कर चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा और उसके बाद वहाँ से यमुना किनारे। हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, रविंद्र बीजेपी हेडक्वार्टर से, विशाल पांडे बीजेपी हेडक्वार्टर से, पूजा मक्कड़ भी बीजेपी हेडक्वार्टर से, क्योंकि वहाँ पूरा देश आप मानिए कि उमड़ रहा है, सैलाब है लोगों का, सैलाब। रविंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगी। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूँ, और आज अगर अटल जी ऊपर से भी देख रहे होंगे खुद को तो ये कह रहे होंगे इसे कहते हैं मन से मरना। जाहिर तौर पर मर कर भी जो अमर हो जाए, अपने व्यवहार से, अपने वाणी से, अपने कर्तृत्व से, अपने यशगान से, तो जाहिर तौर पर अगर कोई हो सकता है हम लोग के नज़र में आज के युग में, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। आप तस्वीरों के साथ देखिए, एक तरफ यहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगी हुई है जो उनकी पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा उनके घर से जो शुरू हुई थी, धीरे धीरे मंथर गति से वो बीजेपी मुख्यालय आ रहा, और यहाँ पर जो बड़ी संख्या में लोग हैं, महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, संघ के कार्यकर्ता हो, बीजेपी के हो, कई ऐसे लोग हैं जो उस समय के हैं जब वाजपेयी सियासत में एकदम नए होंगे, उस उम्र के भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं। आप समझिए कि इतनी गर्मी में, और सब की यही आशय, एक बार मैं देख लूँ अपने प्रिय जन नेता को, चाहे वो मृत्यु क्यों ना हो, लेकिन उनका दर्शन तो कर लूँ। तो जाहिर तौर पर ये दर्शन करने की जो एक इच्छा शक्ति है, वही इनको पिछले 3 घंटे से खड़ा रखे हुए है, दरवाजे पर ही नहीं, उधर पूरे दफ्तर में, और जितनी संख्या दफ्तर के अंदर है दिख रही है। रविंद्र,